पेपर से ये क्या कर रही है तुम तुम पागल हो गई नाजिया चलानी है ना मुझे नाजिया हटो पीछे तेरी दवाइयाँ समीरा कहाँ है समीरा कागजात का क्या हुआ मिले उसका पूरा रूम देखा लेकिन तुम मुझे खुद बीच में घसीट रहे हो अच्छा अगर तुम्हें सारे खेल में शामिल नहीं हो तो तुम वहाँ क्या कर रही हो तुम्हारा क्या काम शाहजेब की फिक्र करो नाजिया को मैं संभाल लूंगी जी जहांगीर साहब जी जहांगीर साहब बोले देखो शाहजेब तुम एक रोशन ख्याल नौजवान हो फिर इस हकीकत को क्यों नहीं मानते मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर इतनी ढिटाई क्यों अगर नाजिया जबरदस्ती तुम्हारे घर तुम्हारे साथ चली भी गई उसके बाद भी तुम दोनों की जिंदगी अजाब हो जाएगी जहर हो जाएगी ये बात समझने की कोशिश करो आखिर ऐसी जिंदगी का फायदा क्या स्ट्रेंज नाजिया मुझसे मोहब्बत नहीं करती और ये बात मैं जानता तक भी नहीं वेरी स्ट्रेंज जहांगीर साहब कम ऑन शाहजेब तुम्हें घर पे नहीं कहा था फोन पे भी कहा था और किस तरह कहे वो मेरे आंखों के सामने क्यों नहीं बोलती देखो शाहजेब तुम्हारा ये रवैया तुम्हारी शायान शान नहीं है अरे क्यों अपनी इज्जत खराब करने पे तुले हुए हो मैं तुम्हें मर्द होने के नाते बल्कि दोस्त होने के नाते एक बात कहता हूं बहुत जिल्लत की बात है रियली बहुत जिल्लत की मर्द के लिए अगर उसकी बीवी आंखों में आंखें डाल के ये कह दे कि मुझे तुमसे नफरत है देखो शाहजेब उसे तलाक दो और किस्सा खत्म करो इसमें तुम्हारा ही फायदा है नाजिया का भी फायदा है और मेरा नहीं 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 जहांगीर साहब इसमें सिर्फ आपका फायदा है मेरा नहीं देखो शाहजेब हम सब ने कहीं ना कहीं नुकसान जरूर उठाया है और नवीजा की मौत के बाद तो हम सबका यह हाल हो गया कि हमारे नसीबों पर जैसे कोई आसिब का साया आ गया हो प्लीज खत्म करो ये कहानी ठीक है जहांगीर साहब मेरा नुकसान कौन भरेगा फिर कम ऑन मैं हूं ना हाँ वाह क्या बात है जहांगीर साहब आप तो बड़े दिल वाले हो गए एक मिनट पेन है तुम्हारे पास जी वेरी स्मार्ट अच्छा बोलो के कितने लिखो ये जहांगीर साहब आप पे डिपेंड करता जो दिलाए लिख एक बात याद रखना शाहजेब ये नाजिया की तलाक की बात है ओके ओके तो फिर मैं कितने बताऊं आपको अरे भाई जितना बोलोगे मैंने लिखना है बस तुमने बोलना है और मैंने लिखना है गो अहेड जहांगीर साहब कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ सादा ही बोल दूं हाँ तुम्हें मेरी हैसियत को मद्देनजर रखना होगा जहांगीर साहब अभी तो आपने कहा जो दिल में आए बोल दो अरे बोलो 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 कम ऑन शर्माने की जरूरत नहीं है आर यू श्योर जहांगीर साहब आई एम श्योर तुम बोलोगे और मैंने लिखना है बस गो अहेड तो एक काम करें अपना घर अपनी फैक्ट्री मेरे नाम कर दें मैं नाजिया को तलाक दे दूंगा अग्री जहांगीर साहब
आप मोहब्बत को नहीं समझ सके. सैड. कैसा है? ठीक हो? क्या सीन है, बोला कुछ? बहुत ही डड्डी है रे, बहुत ही डड्डी. तू भी तो कुछ शर्म कर यार, इतना बड़ा साइज है तेरा है और एक उस बुड्ढे से कुछ नहीं उगलवा सका. उगल वाले ये भी ठीक है. क्या बोला? वेलकम वेलकम वेलकम. सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. पहला सवाल हमजा, पेपर्स का. क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हैं? अपने मालिक से खुद आकर मुझसे बात करें. मालिक? अरे बकबक, तुम तो खुद उसके बगैर उजरत पे काम करने वाले गुलाम हो. और अपनी उजरत में किसी पर छोड़ता नहीं हमजा. वो अपना बुखार किस पे नहीं छोड़ता, तुम पे उजरत क्या छोड़ेगा? बुखार किसी पे नहीं छोड़ता, ये ठीक है. लेकिन ऐसा है कि तुम्हारी हड्डियों को इतनी अजियत मिलने वाली है हमजा, कागजात का पता जरूर बताएगी. मेरे हड्डियों से तुझे कागजात तो नहीं मिल सकते. ओके, किसको दिए थे वो बता दो. एक बाएतमाद शख्स को. हाँ, और वो बाएतमाद शख्स होगा तुम्हारा, क्या नाम है उसका? शाहजेब, राइट? ऐसा ही है? तुम शाहजेब के बाल बराबर भी नहीं हो सकते. ऐसा तो है, बस क्या कर सकते हैं, अफसोसनाक सिचुएशन है. खैर मिल लेंगे तुम्हारे शाहजेब से भी. अच्छा ऐसा है कि आज रात तो मुझे देर हो रही है, वरना आपके साथ जरूर खेलते. सो आज रात आपका साथ देंगे हमारे हसीन और जमील दोस्त डाडा. डाडा एंजॉय. क्या हुआ? पूछिए. मेरे हाथों लिखी है. कौन है यार? जी गैस कंपनी से. आपके यहाँ लीकेज की कंप्लेन है. मैंने तो कोई कंप्लेन नहीं की और आप मुझे गैस कंपनी के लग भी नहीं रहे. तो फिर केबल वाला हूँ मैं. नहीं नहीं नहीं, तुम केबल वाले भी नहीं हो. तो फिर क्या हो तुम, डिसाइड करो. तुम शान हो. पहचान लिया. गुड जॉब. ब्राव. क्यों आए हो? कुछ कागजात चेक करने हैं. कागजात वागजात मेरे पास कहाँ यार, मेरे पास एक बगीचा है, मेरे पास फूल होते हैं, परिंदे होते हैं, ये सब चीज़ें मेरे पास. कागज वागज कोई? दैट्स वेरी गुड, मैं चेक कर लेता हूँ. अरे भाई कहाँ. अरे अरे भाई क्या तुम कैसे, तुम तो घुसे चले आ रहे हो यार. देखो बेटा बात सुनो. अरे 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 वो बस. अरे यार बेटा देखो बेटा बात सुनो. अरे भाई मियाँ हमारे घर में तो बगीचा और परिंदे और किताबें होती है, क्या ढूंढ रहे हो तुम? नहीं बेटा यहाँ. अरे हटो. अरे यार तुम बूढ़े आदमी का ही ख्याल कर लो. बूढ़े होना, बैठ जाओ साइड पर. अच्छा भैया आप जो चाहें करें और मैं वो करूं जो मेरा जी चाहे. अरे भाई पंचा भाई. अरे अरे भाई कैसे यार, जोर से लगा. अरे ये तू कहाँ घुसे चले जा रहा है? अरे भैया ये घर है किसी का. अरे भाई भाई अरे अरे भाई
देखिए देखिए हमारे यहाँ कुछ नहीं है इस तरह। अच्छा भैया ठीक है, यह तो ये सही। अरे यार और भाई जाके बगीचा भी देखो बल्कि ड्राइंग रूम देखो तुम। हेलो पुलिस, हाँ पुलिस स्टेशन भाई, मैं दाऊद बात कर रहा हूँ यार, मेरे घर में एक बदमाश घुसा है। हाँ जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ हेलो, तुम जबरदस्ती घर के अंदर नहीं घुस सकते। नाजिया को मालूम होना चाहिए कि जज साहब ने उसे तलब किया। बाय द वे मैं नहीं जानता तुम्हारा और नाजिया का क्या ताल्लुक है। तुम्हें वजाहत देना जरूरी नहीं। कहीं तुम जहांगीर साहब के ऑफिस में सेक्रेटरी तो नहीं हो? हाँ तो अपने काम से काम रखो। तुम मेरे बॉस नहीं हो जो मैं तुम्हारा हुक्म मानूंगी, और अगर तुमने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं जहांगीर साहब को फोन करके बुला लूंगी। अच्छा एक काम करो, मेरे सामने फोन डायल करो, उन्हें उन्हें कहो कि गो टू हेल एंड यू टू। अपनी बकवास बंद करो, दफा हो जाओ यहां से। तुम्हें अदालत में यह मामला खत्म कर देना है। वो हाल करूंगा उसका कि मेरे पैरों में पड़ के माफी मांगी मुझसे। कल तक तुम्हें यह फैसला करना होगा कि उस शख्स के साथ तुम्हें जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं जो मेरी बीवी की तोहिन करे। हेलो समीरा, अम्मी आप कहाँ हैं? कराची में। आप क्यों वापस आ गई? मैंने कहा था ना वहीं रहिएगा। अरे मेहमान एक दो दिन के लिए होते हैं, सारी जिंदगी के लिए थोड़ी होते हैं। लेकिन अम्मी मैंने कहा था मैं नहीं आ सकती, मैं खुद आती आपको लेने के लिए। अरे बेटा मैं कब तक उन लोगों पर बोझ बनी रहती? क्यों आपके भाई आपको दो दिन नहीं रख सक रहे? अपने मामों के लिए ऐसी बातें नहीं कहते। लेकिन अम्मी मैं नहीं आ सकती ना अभी। बेटा मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अच्छा ठीक है मैं चक्कर लगा लूंगी घर पे। तुम्हें क्या जरूरत है जहांगीर के घर में रहने की? अम्मी मैंने आपसे पहले ही कहा था आप बीच में मत बोलिएगा। ठीक है मैं चक्कर लगा लूंगी घर पे, खुदा हाफिज। क्या
बदतमीज, तुम्हें धक्का देकर करके अंदर दाखिल हो गया। सिर्फ धक्का नहीं दिया उसने मुझे, बल्कि उसने मुझे मारा भी है। समीरा, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया आखिर? वो तो मैं ढाल बन के खड़ी थी, वरना वो तो नाजिया को भी थप्पड़ मार देता। व्हाट? मेरी बेटी को थप्पड़ मारेगा? औकात भूल गया अपनी हूँ। नाजिया, नाजिया! नाजिया को क्यों बुला रहे हो? उसने तो कुछ नहीं किया। मुझे पता है नाजिया ने कुछ नहीं किया। इस लड़की को तो मुझे नहीं छोड़ना। जी बाबा। कल तुम्हें अदालत में ये मामला खत्म कर देना है। वो हाल करूंगा उसका कि मेरे पैरों में पड़ के माफी मांगियो मुझसे। कल तक तुम्हें यह फैसला करना होगा कि उस शख्स के साथ तुम्हें जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं जो मेरी बीवी की तोहीन करे। जहांगीर, जहांगीर, ये तुम क्या कह रहे हो? जहांगीर, तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या फर्क पड़ता है, एक ना एक दिन तो पता चल रही था ना। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं। दवा खा ली तुमने? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कल अदालत जाना तुमने, क्या कहोगी वहां? अदालत ने सारी कहानी पलटी, सारा खेल खराब कर दिया। अब मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि तुमने इन दोनों को आखिर अकेले जाने क्यों दिया? मेरे इख्तियार में क्या था? अदालत का हुक्म पर कैसे डालता हूं? एक तो तुम्हारी नाजिया भी इतनी सीधी है कि हर किसी की बात मान लेती है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी हर बात मानती है, फिर क्या हुआ? यही तो मैं कह रही हूं कि वो हर किसी की बातों में आ जाती है। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं वो शाहजेब की बातों में आके उसके घर ना चली जाए। चाहती है तो चली जाए, मैंने कहा ना अदालत का हुक्म है। तुमने तो अभी से हार मान ली है, अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पता है अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो क्या करती? मैं जाकर शाहजेब से खुद बात करती। कभी तुमने पूछा है अपने बाबा से मेरी जगह उसने शान को डॉक्टर के पास क्यों भेजा? शान को? क्या तुम्हारे बाबा ने बताया तुम्हारा डॉक्टर क्यों बदला गया था? नहीं शाहजेब, क्या कौन क्यों बदला गया था? तुम्हारा इलाज डॉक्टर इब्राहिम कर रहा था। शाहजेब, अब डॉक्टर इब्राहिम कौन है? उन लोगों के हाथ में डॉक्टर इब्राहिम की प्रिस्क्रिप्शन थी। पर मैं किसी डॉक्टर इब्राहिम को जानती ही नहीं हूँ। नाजिया, मुझे एक बात तो बताओ, ये जो तुम दवाइयाँ खा रही हो, ये तजवीज़ किसने की? डॉक्टर उस्मान की। मगर डॉक्टर उस्मान ने तो तुम्हें कोई दवाई तजवीज़ नहीं की। पर बाबा तो यही कहते हैं कि वो सब दवाएँ डॉक्टर उस्मान लिखती हैं। एक मिनट, एक मिनट, मुझे अंदाजा था, अंदाजा था कि कोई गड़बड़ है। शाहजेब, क्या अंदाजा, क्या मामला, क्या कहना चाह रहे हो? देखो नाजिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। डॉक्टर इब्राहिम और डॉक्टर उस्मान दोनों एक ही ग्रुप से हैं और दोनों बाएतमाद डॉक्टर हैं, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। मुझे खुलकर बताओ कि शाहजेब के क्या कहना चाह रहे हो। नाजिया, ये नामुमकिन है। डॉक्टर इब्राहिम तुम्हें ये दवाइयाँ तजवीज कर ही नहीं सकता। तुम्हारे डैड ने तुम्हारी जगह समीरा को डॉक्टर से मिलवाया होगा, तभी उसने ये दवाइयाँ लिख के देखी। शाहजेब, मैं नहीं जानती तुम क्या कह रहे हो, बस मेरी तबीयत खराब हो रही, मैं ये बातें नहीं सुन सकती। मुझे मेरी दवा चाहिए शाहजेब, मुझे प्लीज मेरी दवा चाहिए। नहीं नहीं, बैग में नहीं है, वो घर में समीरा के पास है, मुझे मेरी दवा चाहिए प्लीज। फिर कौन सी दवाइयाँ हैं? मुझे नहीं पता शाहजेब, बस मुझे इतना पता है कि मुझे उन दवाओं को खा के सुकून मिलता है। तुम्हारे हाथों को क्या हो रहा है, ये कब कपा क्यों रहे? कुछ नहीं हो रहा, दवाएं ला दो। मैंने कहा ना, मुझे अपने हाथ दिखाओ, देखो मेरी तरफ, आंखों में देखो मेरी, इस तरीके से आंखें खोलो अपनी, क्या हो रहा है तुम्हें? ये जो मेरी दवाइयाँ चाहिए। तुम कहीं ड्रग्स तो नहीं ले रही? तो पागल हो गए हो शाहजेब, तुम जानते हो मुझे नशों मशों से कितनी नफरत है। क्या कह रहे हो शाहजेब, पूछे मेरी दवा चाहिए, मैं जा रही हूँ। नाजिया मेरी बात सुनो, तुम अपने सारे दरवाजे बंद कर रही हो, तुम्हें मुझ पर एतबार भी नहीं है।
शास्त्री तुम अपनी बातें भी तो देखो, तुम क्या कह रहे हो, नशे करती हो, ये करती हो, तुम जानते हो मुझे इन चीजों से कितनी नफरत है। साहिल है नाजी, अपनी हालत को देखो तुम। शास्त्री मुझे मुझे मेरी दवाइयाँ चाहिए, मुझे उनसे सुकून मिलता है, प्लीज मुझे वो दवाइयाँ ला दो ना, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं उससे उन दवाइयों से सो जाती हूँ, ये मुझे कुछ कुछ नहीं होगा, मुझे दवाइयाँ ला दो, मैं ठीक हो जाती हूँ। नाजिया, इन्हीं दवाइयों ने तुम्हें नशेवार आदि बना दिया गया है और इन सबका जिम्मेदार तुम्हारा बाप है और कोई नहीं, समझ रही हो तुम? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे दवाइयाँ चाहिए, प्लीज मुझे ला दो शाहजेब, शाहजेब प्लीज मुझे ला दो, मेरी दवाइयाँ, चलो दवाइयाँ दो। हाँ मैं तुम्हें देता हूँ, चलो मेरी दवाइयाँ मुझे ला दो, मिल जाएंगी तुम्हारी दवाइयाँ, मैं कह रहा हूँ ना, चलो मेरे साथ। रिलैक्स नाजिया, सब ठीक हो जाएगा, हम बस पहुँचने वाले हैं। हेलो अदनान, मैं बात कर रहा हूँ यार, एक इमरजेंसी टेस्ट करवाना है, तुम लैब में ही रहना, मैं बस आने वाला हूँ, ठीक है? नाजिया प्लीज परेशान मत हो, बस पहुँचने वाले हैं। मैं मर जाऊंगी शाजी। नाजिया मैंने कहा है ना, हम बस पहुँचने वाले हैं, तुम प्लीज परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज मुझे जल्दी भेजो, जल्दी आराम से। इनके सारे टेस्ट करो, कोशिश करो कि एडिक्शन वाला टेस्ट जल्दी हो जाए। तुम्हें इस बात का पूरे यकीन है? ये तो अभी पता लग जाए, दुआ करो मेरा अंदाज़ा ठीक है। और अगर गलत निकला तो? देखो मेरी दुआ है कि तुम्हारा अंदाज़ा गलत निकले। तुम यहाँ बैठे मज़े से चाय पी रहे हो, इतनी देर हो गई है, जाओ ना उनके पास। कहाँ जाऊँ मैं, मुझे क्या पता कहाँ होंगे वो इस वक्त। तो शाहजेब को फोन करके पूछ लो ना। समीरा मैंने कहा नहीं, अदालत का हुक्म है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। अदालत का हुक्म है, अदालत का हुक्म है, अदालत ने मेरी बेटी को फोन करने से तो मना नहीं किया ना। अल्लाह खैर करेगा, जाने इस पर क्या बीतेगी। सुनो मैं इसे इंजेक्शन लगा देता हूँ, ये बुरी तरह कांप रही है। मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना, मुझे मुझे जाना है यहाँ से। मुझे जाना है यहाँ से, इस जगह से प्लीज, मुझे कोई टेस्ट नहीं करवाना। देखो नाजिया समझने की कोशिश करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है अभी। अरे हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, मैं कह रही हूँ ना मुझे कोई टेस्ट नहीं करवाना। अच्छा ठीक है मत कराओ टेस्ट। देखो नाजिया तुम्हारी तबीयत अभी इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है, बात समझने की कोशिश करो। डॉक्टर साहब हेलो, मेरी जहांगीर साहब से बात करवाएं। नाजिया कहां पर है? तुम उसे घर क्यों नहीं लेकर आ रहे, अपने पास रखने का इरादा है क्या? मैंने कहा ना मुझे जहांगीर साहब से बात करनी। वो तुमसे बात नहीं करना चाहते। वो अभी है कहां? यही है। हेलो हेलो, जहांगीर साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको और मैडम आपको भी। मैंने तुम्हें यहां आने से मना किया था। और नाजिया क्यों नहीं आई?
ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नाजिया हॉस्पिटल में। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या किया तुमने? ये तो मैं आप लोगों से पूछने आया हूं, किया क्या है आप लोगों ने उसके साथ? कौन से हॉस्पिटल में है वो? क्या कोई एक्सीडेंट हो गया है? काश उसका एक्सीडेंट हुआ होता। शाहजेब बताओ मेरी बेटी कहाँ है आखिर? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मार डाला उसे? मारी तो डाला है उसे, उसकी रूह को, उसके जिस्म को। वीर साहब देखें इसे, देखें इसे, क्या हालत कर दी आपने अपनी बेटी की, नशे का आदि बना दिया है। खुदा की कसम, नाजिया की जान की कसम, अगर उसे कुछ हुआ ना, मैं तुम दोनों को तबाह बर्बाद कर दूंगा। क्या छुपाने जा रहे हो समीरा? नहीं, ये कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लाओ तो मुझे, मैंने कहा तू मुझे दो। तुम्हारा दिल कैसे माना कि तुम ये हरकत करो? जहांगीर, मैंने तो ये सब कुछ तुम्हारी मदद करने के लिए किया। लेकिन मैंने तुम पे भरोसा किया था। मेरा यकीन मानो जहांगीर, मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी। अब मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नाजिया की हालत ऐसी हो जाएगी। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो जहांगीर। चलिए यहां से, चली जाओ यहां से प्लीज। मुझे माफ कर दो नाजिया, मुझे माफ कर दो नाजिया। मुझे जाना है यहां से, कैसे निकलूं? कैसे निकलूं मैं? मुझे घर है, मुझे घर जाना है। तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया। मुझे नहीं खानी कोई दवाई। तुम ये दवाई खाओगी तो तुम्हें सुकून मिलेगा। मैंने कहा ना, मुझे कोई दवाई नहीं खानी, मुझे कोई सुकून नहीं चाहिए। दवाई तो तुम्हें खानी पड़ेगी। मैंने कहा ना, मुझे कोई दवाई नहीं खानी मुझे तुम्हारी ये दवाइयां। छोड़ो मुझे घर जाने, नहीं जाएगी कोई दवाई, मुझे ये छोड़ो।
दवाई दवाई। वो तुमने नाजिया को कौन से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है? Excuse me. Yes. वो जो मरीज़ थी वो कहाँ गई? पता नहीं, जब हमने चेक किया तो वो वार्ड में नहीं थी। क्या, वार्ड में नहीं थी? ये किस किस्म का हॉस्पिटल है? पेशेंट्स चले जाते हैं, इर्रिस्पॉन्सिबल। शाज़िब साहब बात तो सुने। बस कर। जहांगीर साहब, नाजिया यहाँ से चली गई है। क्या क्या मतलब यहाँ से चली गई? फरार हो गई है वो यहाँ से। बकवास बंद करो, हर बार नई बात करते हो। सच सच बताओ, मेरी बेटी नाजिया कहाँ है? अगर आपको सच्चाई जानी है तो जाके ढूंढे उसे। तुम उसे लेके गए थे और तुम ही इसके जिम्मेदार हो। तुम्हें पता है कि नाजिया कहाँ है? एक बात याद रखना शाज़िब, अगर नाजिया को बाल बराबर भी नुकसान हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या बिगाड़ोगे तुम मेरा? बोलो, क्या हद ढाई है तुमने उसमें जो यहां से चली गई? वो इस आफत से तो बेहतर है जो तुमने उस पर ढाई है। मैंने खोया ना उसे, खुद ही जाके ढूंढूंगा। हेलो, आप नाजिया तुम्हारे साथ है? क्या फर्क पड़ता है आपको इस बात से? मैं पूछ रहा हूँ कि नाजिया तुम्हारे साथ है या नहीं है, बस। मैं नाजिया नहीं हूँ जिससे आप इस तरह से चीख के बात कर रहे हैं। बस मुझे इतना बता दो कि नाजिया तुम्हारे साथ है या नहीं है। आपने एक अच्छे बाप होने का सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। अगर आपको इतनी ही मोहब्बत थी ना अपनी बेटी से तो दूसरी औरत को घर में ना लेके आते। आप ना खुश रहे अपनी नई बीवी के साथ। हेलो हेलो, अच्छा बेटा, तुम कहाँ हो बच्चे? कहाँ हो तुम? डैड 8-10 जगह ढूंढे, अभी तक नाजिया नहीं मिली। मैंने कभी सोचा नहीं था उसे इस तरह ढूंढना पड़ेगा। हाँ यार,
पता नहीं किस हाल में होगी। यहाँ से लेफ्ट ले ले। नाजिक बहुत अच्छी लड़की है जानी। मुझे नहीं लगता कि अगर उसे इस बात का इल्म हो भी जाए कि वो अपनी माँ की सारी दौलत की अकेली वारिस है, वो तुम्हें फिर भी महरूम रखेगी। लेकिन असल मसला तो वो डॉक्टर है। डॉक्टर? शाहजेब की बात कर रही हूँ मैं। यूवीन ने नाजिया को डॉक्टर से तलाक? हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ऐसा तो होने जा रहा था और नाजिया भी अग्री थी, वो तो मैंने मना किया। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी जहांगीर। शाहजेब एक बहुत होशियार लड़का है, अगर उसे पता चल जाए कि नाजिया के पास इतनी दौलत है तो वो तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देगा, बल्कि हो सकता है कि तुम्हें तो वो फुटपाथ पे लाके खड़ा कर दे। देखो, नफीसा के इंतकाल के बाद हमारे पास एक ये बहुत अच्छा मौका है कि हम नाजिया की तलाक करवा दें। अगर हमने ऐसा ना किया तो ये भी शान की तरह हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा और ये मौका भी हमारे हाथ से निकल जाएगा।